ये देखो कितनी बड़ी नक लेके शुरू होते ही खत्म हो गई। ये तो भाई साहब रास्ता इतना खतरनाक हो गया ना एकदम से। ये देखो ये जो रोड है ना पत्थर वत्थर गिर रहे हैं, शूटिंग स्टोन हो रहा है पूरा यहाँ पे। निकलो फटाफट यहाँ से वरना और पत्थर गिर रहे हैं। मम्मी और यहाँ पर है मोनेस्ट्री, ग्यू मोनेस्ट्री। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। और अभी जस्ट सो के उठे हैं, निकलते हैं अभी, बड़ा नहाएंगे वहाएंगे नहीं, जस्ट फ्रेश होके और तुरंत गायब होते हैं यहाँ से। अभी नदियाँ पूरी बहती हुई एकदम गजब, पूरा मज़ा। और वहाँ सामने स्नो माउंटेन्स। गियर्ड अप होते हैं, पैकिंग वैकिंग करते हैं, फ्रेश फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं, देन मिलता हूँ। यहाँ पर हो रहे हैं हम तैयार और पीछे से यहाँ तक का पूरा हिसाब किताब, मतलब पूरा का पूरा कैंप हमने मैसअप करके रखा हुआ है। और जस्ट बस फटाफट गियर्ड अप होते हैं, पैकिंग वैकिंग शुरू करते हैं और बैग लोड करके रफू चक्कर गायब। लेकिन हाँ सुबह फाइनली लास्ट बार ये वाले नज़ारे देख लीजिए, मतलब पानी का बहाव कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पर लोग जो है वो चाय का आनंद ले रहे हैं बैठ के। और यहाँ से वहाँ तक क्या वादियाँ, ऊपर पे देखो स्नो कैप माउंटेन्स, वाह। इधर साइड में जस्ट बराबर में उसकी ग्रीनरी, नीचे बहता पानी और सामने। तो इधर अपनी ऑप्टिमस प्राइम रेडी है, रेडी टू रोल करने के लिए। और हम इधर से चितकुल के लिए हम इधर से आए थे और हम इधर से ही वापस जा रहे हैं। इधर चाइना का बॉर्डर है, तिब्बतन बॉर्डर है इधर 70 किलोमीटर, मतलब ऐसे दिखता नहीं है, पहाड़ के पीछे कुछ समथिंग ऐसे करके जाते हैं। और बाकी बातें करेंगे मोटो व्लॉगिंग में। फोटोशूट डन और यहाँ से निकलने की तैयारी। भाई राजस्थान से आए हैं, सेम आइटनरी मैच कर रही है इनकी और हमारी, तो देखते हैं आगे कहाँ मिलते हैं। बस ये थोड़ा लेट निकलेंगे, हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। ओके सर, ऑफ रोडिंग चल रही है अभी यहाँ से। और सामने देखो मैं कहाँ चढ़ के ऊपर, वहाँ जाना है ऊपर, स्टीप चढ़ाई एकदम। करते हैं पार इसको फटाफट। पानी देखो कितना क्लीन है, कितना साफ पानी है। हाँ माउंटेन्स की यही खूबसूरती है, हर चीज़ इतनी क्लियर और इतनी साफ मिलेगी ना, अल्टीमेट। सो भाई चितकुल को करते हैं बाय बाय। ये बंदे हमें कल मिले थे, आज फिर मिल गए, ये भी हमारे साथ साथ ही निकल रहे हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फिर मर जानी हाथ छत पे चढ़ी। सो भाई यहाँ पर पूरा मस्त एकदम माहौल देख लो, एक बार वैली के दर्शन कर लीजिए। इधर है माता देवी जी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। चितकुल को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। हो सकता है वो नाको हो सकता है वो ताबो हो सकता है वो काजा भी हो सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि हम बहुत लेट निकले हैं। हमें निकलना था 8 बजे और हम निकल रहे 10 बजे। सब मेरी वजह से है क्योंकि मेरे सर का दर्द जो है वो आराम नहीं आ रहा था, अभी इतना है कि मैनेजेबल है, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं कैसे कभी कभी हो जाता है, बट चलो इट्स ओके। तो रास्ता वही है 40 किलोमीटर तक जिस रास्ते से हम आए थे, यानी कि करचम डैम से हम जब मुड़े थे तो वो रास्ता 40 किलोमीटर है चितकुल तक के लिए। अब करचम डैम तक सेम रास्ता हमें पकड़ना है करचम डैम तक के लिए। बट इसमें ना यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैंने आपको कल पूरा रास्ता नहीं दिखाया था, रास्ते में बहुत सारी सीनिक ब्यूटी थी तो मैंने आपको कुछ ही कुछ दिखाई है, ताकि वापस जाते टाइम पर जो बची हुई हैं वो मैं दिखा सकूँ, एटलीस्ट आप बोर ना हो और उधर से भी देख लेंगे और इधर से जाते हुए भी देख लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, आज के दिन भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अपने आज के दिन की एक्साइटिंग वे में एज यूजुअल अपनी टैग लाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सो फटाफट निकलते हैं आगे की ओर, अभी जैसे भी कहीं ब्यूटी आती है ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा ऑन हो जाना है। सो बस देखते जाइए अब आप, ये देखो
पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। तो चितकुल से निकल चुके हैं और अभी आगे सांगला आने वाला है। सांगला के बाद में फिर देखो शायद करशम डैम की तरफ हम चलेंगे। और जो मैं चितकुल के बारे में बता रहा था, और यहाँ पर जो चाइना बॉर्डर है, वो चाइना बॉर्डर पर राइडर्स अलाउड ही नहीं है। इवन वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको भी अलाउड नहीं है। सो चितकुल के बाद में अगर आपको बॉर्डर पे जाना है तो एक ही दिन आए पूरे साल में जिस दिन बॉर्डर ओपन होता है, ओपन मतलब बॉर्डर तक जा सकते हो आप, वो है हर साल जन्माष्टमी का दिन। जन्माष्टमी के दिन आप आ सकते हो। और अरे तो आप जन्माष्टमी के दिन अगर आते हैं तो आप चितकुल से आगे जो इंडिया का बॉर्डर है वहाँ तक जा सकते हो। वहाँ पे जैसा कि हमें यहाँ पर भैया मिले थे, देवरत्न भैया, जिनका एक कैंप था, उन्होंने हमें बताया ये सारी चीज़ें। और वहाँ ऐसा होता है कि आर्मी जो है वो भंडारा वगैरह सब करा के रखती है आपके लिए। और आप इजीली वहाँ पर मिल के वहाँ पूरा एक्सप्लोर करके आ सकते हो। उसके अलावा चितकुल में अगर आपको जाना है तो चितकुल में दो ट्रैक भी हैं जो मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर है। भैया ने बताया 2022। साला रोड ही बवासीर है, ये प्रधान एक काम ढंग से नहीं करवाता है, खाली बाल रंगवा कर पता नहीं क्या झाड़ता रहता है। सारा गाड़ी का सोकर बैठ गया। साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का सौकर बैठ गया लगता है। ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। इसको क्या हो गया? अरे वाह, ओ भाई साहब, अल्टीमेट नजारा। और इधर भी अल्टीमेट नजारा। चलो गाड़ी आ गई, फाइनली वी हैव रीच्ड सांगला। तो सांगला की मेन मार्केट है ये। सो अभी जस्ट हम यहाँ पर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और थोड़ा मेडिसिन वगैरह, क्योंकि आगे डायमोक्स चाहिए हमें। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका नहीं मतलब कर रहे हैं, अभी पराठा आ चुका है, इधर पराठा है चल रहा है। और भरत भाई चाउमीन पहले ही निपटा चुके हैं, उधर वो भाई पराठा ख़त्म कर चुके हैं, ये भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब खत्म कर चुके हैं। हम मेडिसिन वगैरह लेने गए थे, ORS वगैरह, तो वही सब में अभी थोड़ा टाइम लग गया, बस ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। और वो जो सामने मंदिर है और उसमें पता नहीं आई थिंक कोई पूजा या फंक्शन है, कुछ इस टाइप से कुछ है, तो पता नहीं क्या, अगर हमारे ब्रेकफास्ट करने तक वो तैयार होकर पूजा होगी तो डेफिनेटली शूट लूँगा, अगर नहीं हो पाया तो फिर मजबूरी आगे निकलना, क्योंकि आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम लेट हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकल रहे हैं सांगला से, बाकी ये राइडर्स का कोई और ग्रुप है सो जो हमारे आगे आगे चल रहा है। और आई थिंक इनकी नंबर प्लेट देख के पता लग रहा है रेंटेड बाइक है। लगता है हम करशम डैम पहुंच गए हैं। तो करशम डैम से 40 किलोमीटर है चितकुल। और अगर आपको कासा, नाबो, ताको या चंद्रताल लेक जाना है तो वापस आपको इसी रूट से वापस आना पड़ेगा, 40 किलोमीटर मतलब बैक आना पड़ेगा। और ये डैम, थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए डैम का, वापस इसी रूट से आके और ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है।
भरत भाई और राजीव भाई दोनों के पास अपाचे RTR 160 है दोनों के पास, एक के पास 2V, एक के पास 4V है। और यहाँ जगत भाई के पास है डोमिनार 400, मेरे पास है RR 310। हम देखो दोनों कितनी पीछे हैं और वो दोनों कब के गायब हो चुके हैं 160 को लेके। क्या ही चलाते हैं यार। फाइनली भैया डैम क्रॉस करके वो सामने उधर से हम निकल के इधर घूम के इधर वापस आए हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखो उधर वाले रास्ते से थे और बीच में एक पुल है, उधर से घूम के वापस हम इधर की साइड में आए हैं नाको ताबो और काजा के लिए। हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड एक और पुल को हम लोग क्रॉस करते हुए, बहुत बढ़िया रोड, इतनी प्यारी है, मज़ा ही आ गया। ये बराबर में नदी बह रही है, मस्त एकदम ऐसा नज़ारा, थोड़ी थोड़ी लद्दाख वाली फील है। टनल बन रही है शायद अंदर, एक टनल ये भी बन रही है, अभी ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बन रही है, टनल ही है ना, हाँ टनल, ये टनल का काम चल रहा है अंदर। ये देखो कैसे ये वाले पहाड़ को किस तरीके से काटा हुआ, और ये देखो बिल्कुल प्लेन कैसे काटा है, पता नहीं काटा है या फिर ये नेचुरली है। बहुत बढ़िया, लद्दाख याद आ गया मेरे को। अगर लद्दाख वाला सीरीज़ आपने नहीं देखा है तो देखना, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है, अगर उस बटन आई बटन पर क्लिक करेंगे तो अपने पूरी लद्दाख की सीरीज़ हर एक एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा। रोड देखा हमने, ताबो है 156 किलोमीटर, तो भगा 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 प्रिजो, माय गॉड मस्त एकदम गजब। पेट्रोल के बारे में चर्चा हो रही है, मेरी में रेंज है, मेरी में रेंज है अभी 113 किलोमीटर की। तो पेट्रोल के बारे में चर्चा हो रही है और चर्चा कुछ इस प्रकार है, जो पीछे पेट्रोल पंप था उसमें तो अवेलेबल था नहीं पेट्रोल, आगे जो पेट्रोल पंप है वो है 53 किलोमीटर, यानी कि 53 किलोमीटर मेरी रेंज जो है वो दिखा रही है, अभी 113 किलोमीटर मेरी बाइक चल सकती है। बाकी भाई लोगों का थोड़ा इशू है और कह रहे हैं 53 किलोमीटर आगे जो पेट्रोल पंप नया खुला है, तो आई डोंट नो कि वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जाके पता लगेगा। अगर वो माय गॉड भाई साहब क्या है ये, इतना तेज। मैं थोड़ा और पास से, ये देखो भाई साहब, तो भाई कसांग नाला जो है इसका दृश्य आपको बाग काफ़ी बढ़िया लगा होगा यार, बड़ा देखने में मस्त था। पानी इतने प्रेशर से आ रहा था ना, और ये पानी वो था वो जो ग्लेशियर से पिघल के आता है, वो पानी था ये भाई साहब, पहाड़ी पहाड़ काट रखे पूरे, और इतनी गजब रोड बना रखी है, कमाल हो गया। देख रहे ऑसम, बड़ी ऑसम ऑसम, आराम से आराम से, और पीछे चेतावनी भी दे रखी है, आराम से चलें, पत्थर कभी भी गिर सकता है। तो हमें जाना है सबसे पहले पू है यहाँ से 50 किलोमीटर, पेट्रोल मिलेगा वहीं, 95 की रेंज है अभी मेरे पास में, तो यानी कि काम हो जाना चाहिए। और यहाँ पानी गिर रहा, छींटे लग रही हैं, छींटे पड़ेंगे छींटे, अरे भाई साहब पूरे के पूरे पहाड़ ही काट कर रख रखे हैं, दबा रखा भाई साहब। बराबर में बह रही है हमारी नदी चट्टानों के बीच के बाद, दिखाता हूँ ये देखो भाई साहब अल्टीमेट, ये देखो ऐसी नदी है और इधर भी नदी, और कितना ही लंबा पुल है भाई साहब, कितने तरीके से। कनम ब्रिज भी क्रॉस कर दिया भाई, पू नहीं आके दे रहा, थोड़ी सी दूर रह गया, फटाफट चलते हैं। यहाँ श्री माता धांग माता मंदिर, जय हो जय माता दी।
लैंडस्लाइड हो रही है जगह जगह पर, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर गिरे हुए हैं। आगे भी दिखाता हूँ, ये देखो ये गिरे हुए थोड़े थोड़े, ये गिरे हुए और दिखाता हूँ, ये देखो ये गिरे हुए, ये सब ऊपर से पत्थर वगैरह सब गिर रहे हैं। ये सफ़ेद पानी क्यों है, सफ़ेद झाग क्यों आ रहे हैं पता नहीं, सफ़ेद झाग क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आया। ऊपर से देखो साफ दिख रहा है कि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड काइंड ऑफ एरिया है। इसीलिए देखो बीआरओ ने ये इस टाइप के काइंड ऑफ बैरीगेट्स कह लीजिए, दीवार कह लीजिए, वो लगा रखी है, तो ये छोटा मोटा अगर हो तो वो इसी के थ्रू रुक जाए, सड़क पे ना आए। सामने वाले पहाड़ पर परछाई आ रही है, पहाड़ की, इधर कोई पहाड़ है उसकी परछाई आ रही है, देखो इधर तो पहुंच गए हैं, पेट्रोल पंप मिल गया है, और पेट्रोल भी शायद है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हम भी पहुँचते हैं। पेट्रोल 99 है यहाँ। किन्नौर के बाद बहुत टाइम बाद हमें यहाँ पर दोबारा से इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब एंट्री वगैरह करानी होती है। यहाँ से पॉइंट निकल रहा है सीधे स्पीति के लिए, और ये नदी जो है ये स्पीति रिवर, उधर से निकल के इधर मंडली आके, और ये वाली जो नदी है ये नदी जा रही है सीधी चाइना, मतलब ये चाइना से बहते हुए यहाँ आ रही है, और वो वाली स्पीति रिवर, ये दोनों मिक्सअप होके नारकंडा वगैरह उधर निकल रही है। ये देख लो चाइना वाले क्या लाल करके भेजते हैं, एकदम मटिया मेट करके भेजी है नदी। बीआरओ का जवाब नहीं है, क्या गजब की रोड बना के रखी हुई है बीआरओ, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जाना है जिगजैग 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 ऐसे करके, हमें ऊपर चढ़ना है, चढ़ते हैं ऊपर फटाफट, और यहाँ से हमारा काटा लूप बोल सकते हैं इसे, शुरू हो चुका है। तो चढ़ाओ, रे 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 देख रहे हो क्या स्टीप चढ़ाई, एकदम पूरा जोर मार रही है बाइक भी, अरे लेके खींच के ले गए भैया, खींच के ले गए, चलो देख रहे हो क्या खोद के रखी हुई है चट्टाने भाई साहब ऊपर। अब हमें ऐसे ऐसे करके ऊपर ही चढ़ना है, ये देखो ऊपर, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर जाना है हमें, ऐसे 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 करके चढ़ के ऊपर। सुमडो रह गया यहाँ से 57, चढ़ते हैं फटाफट, अभी दिखाता हूँ आपको एकदम से स्टीप स्टीप चढ़ाई, ये देखो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, बस सीढ़ियाँ ना करके सड़क कर दिए, और यहाँ पर कितने सारे लद्दाख के ब्लेसिंग्स फ्लैग, हवा इनसे अंदाजा लगा लो कितनी तेज़ चल रही है, ये देख रहे हो हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। सामने करवी करवी रोड है, अभी दिखाता हूँ, थोड़ा और पास पहुँच जाते हैं फिर दिखाते हैं। अब शायद क्लियर दिख रहा होगा गोप्रो में, राजी भाई लग रहा है बहुत पीछे रह गए।
ग्राम पंचायत नाको आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेक व्यू इधर से है तो इधर ही चलना पड़ेगा। राजीव भाई का वेट कर लेते हैं। राजीव भाई शायद हमें लेक ही जाना है सबसे पहले। नाको में बहुत फेमस लेक है तो हमें लेक पे ही सबसे पहले जाना है, तो लेक पे ही चलते हैं। तो ये नाको पहुँच चुके हैं, फटाफट चलते हैं लेक व्यू के लिए। इतनी ऊंचाई पर भी लेक हो सकती है, कैन यू इमेजिन, हमें भी नहीं पता था। बाकी छोटा सा विलेज है लेकिन प्यारा सा है, पत्थर लगाकर दोनों तरफ एकदम छोटी छोटी रोड बना रखी है। अच्छा है, सही लग रहा है। क्या मस्त लाइफ होगी इनकी यार जो यहाँ पर रहते हैं। इतनी शांति है, भीड़ भाड़ चैचे पैपे सबसे दूर जिंदगी ये जी रहे हैं, हम तो काट रहे हैं। और मेरे को लेक दिख भी रही है शायद यहाँ पर, यहाँ से हल्की हल्की आपको नहीं दिख रही शायद, पेड़ों के पीछे से मुझे दिख भी रही है। तो देखते हैं कहाँ लगाते हैं बाइक को। नाको लेक की तरफ हम जा रहे हैं, बाइक से नहीं जा सकते, पैदल जाना पड़ता है। सीढ़ियाँ बना रखी हैं, ये रही सीढ़ियाँ। और ये सीढ़ियाँ तो ठीक है, चलो नीचे तक में थकान नहीं है, लेकिन ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाएगी। चलते हैं नीचे की ओर, दिखाते हैं आपको नाको लेक। ये देखो कितनी बड़ी नाको लेक है, शुरू होते ही ख़त्म हो गई ये तो। ये देखो नाको लेक यहाँ से शुरू है, ये है नाको लेक, ये पूरी नाको लेक है छोटी सी। ये देखो बस इतनी सी है नाको लेक है, शुरू है और वहाँ लास्ट में जाके ख़त्म है, मतलब बहुत छोटी सी है, सर्दियों में जम जाती है और इसके ऊपर स्नो एक्टिविटी हो जाती है, गर्मी में पिघल जाती है, गर्मी में जम जाती। बाकी बस इतना कहना चाहूँगा कि बुरा नहीं मानना, हमारे गांव में इसे झोड़ कहते हैं, झोड़ का पानी इकट्ठा हो गया उसे झोड़ कह देते बस। तो चलो ठीक है, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। फटाफट बाइक पर बैठते हैं और गायब होते हैं यहाँ से। सो भाई नाको लेक देख के आ गए, बहुत मज़ा, बहुत अच्छी थी, दिमाग ख़राब हो गया काम का, इतनी जरा सी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मुझे मज़ा नहीं आया इसे देखने में। इन्होंने यहाँ ऊपर से पता नहीं क्या नाला खोला अभी, तो चलते हैं अभी यहाँ से नाको को क्रॉस करते हैं। गिव मोनेस्ट्री है, वहीं पर रुकेंगे क्योंकि 6 बजे मोनेस्ट्री बंद हो जाती है। तो यार ये नाको विलेज जितना सुंदर है, नाको लेक उतनी बेकार। नाको लेक के बस में देखकर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। फटाफट यहाँ एक बात अच्छी है कि यहाँ पर ना व्यू पॉइंट बड़े अच्छे अच्छे हैं, व्यू पॉइंट देखने में जो सुकून मिलता है ना मुझे, और नाको वाको लेक वेक देखने में मज़ा नहीं आता। व्यू भाई साहब नीचे वैली, बीच में नदी और इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़, कमाल का नज़ारा, कमाल का स्पीति वाकई भाई साहब। रास्ता इतना ख़तरनाक हो गया ना एकदम से, ये देखो ये जो रोड़ी है ना, हमारे यहाँ बजरी रोड़ी इनको यही बोलते हैं, मतलब तुम तेज चला ही नहीं सकते, अपने आप ही बाइक स्किड हो रही है। ये देखो अपने आप ही बाइक स्किड हो रही है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। बस ये कि आराम आराम से चलते रहो, प्यार प्यार से, बिना कुछ भसड़ पंचायत करे हुए। और ऐसी जगह मोड़ और आ जाए ऐसे वाला, तो मोड़ पे तो और मज़ा आ जाता है। पूरा रास्ता ऐसा ही है, शायद यहाँ पे भी सड़क बनेगी, शायद काम चल रहा होगा क्योंकि वहाँ सामने जेसीबी वगैरह खड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, गिव मोनेस्ट्री तक के लिए अराउंड 7 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, बहुत गंदा रोड है। एक सेकंड के लिए रोड पे से ध्यान हटा लो और खेल ख़त्म। इतनी ऊंची हाइट पे पहले हम चढ़े, फिर हम उसके बाद दोबारा से उतरे हैं और सारा रोड ख़राब। अरे वाह, कहते ही रोड अच्छा आ गया। चलो बहुत देर से चल रहे थे, सुमडो रह गया खाली 14 किलोमीटर, अभी नहीं दिखाई देगी लेकिन बराबर में हमारे स्पीति रिवर बह रही है। ये देखो स्पीति रिवर के नज़ारे, दो वैली के बीच में नदी बहती हुई, क्या ही प्यारी लगती है। इधर छाया चुकी है, इधर धूप और इधर ग्रीनरी, सारा लुक एक साथ लीजिए, सबका मज़ा एक साथ लीजिए। अगेन शूटिंग स्टोन एरिया आ गया,
दोबारा से, ये देखो पत्थर पड़े हुए भी हैं बीच बीच में। लगता है ये वाली सड़क अभी रिसेंटली बन के तैयार हुई है, वरना यहाँ भी पहला ही रास्ता था, क्योंकि सड़क बिल्कुल नई है एकदम। देख लो शाइन भाई साहब, पूरा लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है मेरे को तो, पूरी लद्दाख वाली फीलिंग है। पत्थर गिर गए, लैंडस्लाइड हो गया भैया, पत्थर पत्थर गिर गए, शूटिंग स्टोन हो रहा है पूरा यहाँ पे। निकलो फटाफट यहाँ से, वरना और पत्थर गिर जाएंगे ऊपर से, और पत्थर गिर जाएंगे ऊपर से, फटाफट निकलो। बेसिकली शायद लग रहा हमें सुमदो में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यस, सुमदो में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर शायद एंट्री करानी पड़ेगी, और उसके बाद निकलेंगे हम क्यू मोनेस्ट्री की तरफ में आगे। सो भाई फाइनली स्पीति के अंदर एंट्री हो चुकी है, बोर्ड देख के आप समझ गए हैं। पता है ये सब क्या कर रहे हैं आपको? झूले, झूले का मतलब होता है नमस्ते। और इधर की साइड हमने एंट्री वगैरह सब करा दिया है, और यहाँ पर अपना स्टिकर भी लगा दिया है विद परमिशन, परमिशन लेने के बाद में। ये रहा मेरा सोलफुल स्पीति जो कि हम लोग कर रहे हैं, और इधर भरत भाई का। तो बस फटाफट चलते हैं आगे की ओर। हम लोग सुमदो में नहीं रुकेंगे, जब भी हमें व्यू मोनेस्ट्री जाना है, जब भी जाना है, और मोनेस्ट्री 6 बजे बंद हो जाती है, ब्योरा 6:30, तो वहीं होम स्टे वगैरह ले लेंगे व्यू मोनेस्ट्री में, और सुबह 6 बजे जो है मोनेस्ट्री खुल जाती है। तो सबसे पहले वही व्यू मम्मी वगैरह सब देख के, और उसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। बड़ा भयंकर, अभी बीच में एक दिल्ली वाले भैया मिले थे, उनसे बातचीत हुई, कह रहे 2-3 जगह पर शूटिंग स्टोन हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से चलना, और लोसर में जो पानी बहुत ज़्यादा है नालों में, तो थोड़ा संभल के। और यहाँ आप स्पीति रिवर के मज़े ले रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो स्पीति रिवर काफ़ी अच्छी लग रही है यार वैसे देखने में। मैं ही भूल गया मैं क्या बोल रहा था। विलेज का मेन गेट इधर से ग्यू विलेज है, आई थिंक 9-10 किलोमीटर है। फटाफट से चलते हैं बिना देर करे। ये काली गंगा बह रही है क्या? काली गंगा बह रही है यहाँ से वहां तक पूरी की पूरी है। बहुत सही भाई साहब, बहुत सही। काली गंगा बह रही है, काली गंगा। ओ भाई साहब ऊंचे पहाड़, मेरी गर्दन तो ऊपर जा भी नहीं रही इससे ऊपर। रास्ता भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और रास्ता देखो कितना ज़्यादा खतरनाक है। ऑफ रोड है, और बीच बीच में ठीक ठीक रोड का पैच है, जैसे देखो अभी ये ठीक रोड आया, बस इतना सही पैच है, उसके बाद फिर से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। और बराबर में पता नहीं है कौन सी काली नदी बह रही है। सो ग्यू विलेज के अंदर तो हमारी एंट्री हो चुकी है, ग्यू मम्मी से कब हम मिलेंगे जो इतनी दूर से हमें यहाँ बुला लिया। रात उन्हीं के साथ बितानी पड़ेगी क्या? देखते हैं क्या होता है। ये नया स्तूपा बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और जहाँ तक है वैसे तो गूगल पे हमने चेक किया था, तो टाइम जो है वो ग्यू मोनेस्ट्री का 6 बजे दिखा रहा था, अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं और मोनेस्ट्री खुली हुई है अभी तक। सामने है हमारे ग्यू मोनेस्ट्री, और टिकट लगा है 1, 2, 3, 4 30 रुपये का टिकट है पर हेड, तो टोटल चार्ज ने 120 रुपये हो गया हमारा। ये है द वन एंड ओनली फेमस ग्यू मोनेस्ट्री। बाइक कहाँ लगानी है वो देखना है। फाइनली ग्यू मोनेस्ट्री फाइनली पहुँच गए। यहाँ पर साफ सीधे शब्दों में लिखा हुआ है ड्रोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और वो जो 600 साल पुरानी मम्मी है वो इधर है, इसमें 500 साल पुरानी मम्मी है। अच्छा अभी पढ़ के बताऊंगा मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 500 साल पुरानी मम्मी है वो यहाँ पर है, और अभी यहाँ पर ये मोनेस्ट्री जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आपको मेरे पीछे दिख रही है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोशिश करेंगे, चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि सांस यार बहुत फूलता है, मेरा सांस फूलता है। तो अभी बताते हैं मम्मी के बारे में, अबाउट द मम्मी, जल्दी जल्दी पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। सड़गा तंजिन मम्मी बौद्ध भिक्षु थे। सड़गा तंजिन मम्मी का खोज भूकंप के कारण हुआ था। वहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई के समय पर उनका खोज हुआ। सन 2002 में USA के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गाँव में आए। उन्होंने कार्बन 14
डेंटिंग से यह पता लगाया कि ये सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है। ये रासायनिक नहीं होना चाहिए, रसायन होना चाहिए, पर ठीक है, आप समझ गए ना। फाइनली अभी अंदर जूते उते उतार के जाना पड़ेगा और मम्मी जस्ट अभी मेरे सामने आप देख रहे हैं, जस्ट यही मम्मी है, इतनी दूर आए हैं तो भाई मम्मी के पास तक तो जरूर जाएंगे। मेरे को तो डर सा और लग रहा है देख के। ये देख लिए मम्मी, भाई साहब पीछे से भी देख लो, आगे से भी देख लो, ये आप दिखेगी आपको मम्मी ध्यान से। ये देखिए, ये देखो ध्यान से देखो, बॉडी पर अभी भी चमड़ी है और दांत अभी भी सलामत हैं और बाल भी है, और बाल भी हैं, बाल भी हैं, बहुत भिक्षु थे। ये देखिए ध्यान से, भाई साहब कमाल ही कर दिया, गजब, काफी पास से दिखाया मैंने आपको, ये देखिए काफी पास से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये शायद घुटने के बल बैठे हैं और नीचे ये हाथ है इनका, हाथ से शायद घुटने वगैरह पकड़ के रखे हैं इन्होंने, अद्भुत अद्भुत। अभी चल रहे हैं यहाँ से मॉनेस्ट्री को देखने के लिए जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, देखते हैं किस टाइप का नजारा होने वाला। तो नीचे खड़ी है हमारी बाइक और यहाँ पर है मॉनेस्ट्री, ग्यू मॉनेस्ट्री, और जो मैं आपको दिखाया था वो ग्यू मम्मी वो रखी है सामने, और इधर सामने है चाइना का बॉर्डर। इस पहाड़ के जस्ट क्रॉस करते के साथ ही यहाँ मिलेगा आपको चाइना का बॉर्डर और वैली के बीचों बीच ग्यू मॉनेस्ट्री, अद्भुत। चलते हैं एक बार थोड़ा सा एक राउंड लेके आते हैं, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, अंदर तो एंट्री नहीं होगी, तो फिर भी एक बार छोटा सा दर्शन तो बनता है बॉस, अंदर से देखते हैं अंदर से किस टाइप का है। अंदर से भी ठीक ठाक है, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं, वो किसके हैं आई डोंट नो, पता नहीं, बाकी देखते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ से, यहाँ से भी ऐसे ही दिख रहा है अंदर, मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा, शीशे पे मैंने लगाया, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। फाइनली हमारी निकलने का टाइम हो गया है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने लायक थी तो यही हमने देख लिया, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। पहले सोचा था हमने कि यहीं क्यों मनुष्य के यहीं होम स्टे लेकर निकल जाएंगे, लेकिन अभी उजाला है काफ़ी और शायद आधे घंटे हमें थोड़ा नाइट राइड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ताबो, तो अब सीधा हम ताबो जाके रुकेंगे, मिलता हूँ सीधा मोटो व्लॉगिंग मोड में। ग्यू मॉनेस्ट्री और ग्यू मम्मी को टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। यार सुबह से खाली एक पराठा खाया हुआ है बस, तो अभी भूख भी लग रही है तो पहले कुछ खाएंगे, चलो है यहाँ पे कुछ खाने के लिए, तो पहले यहाँ कुछ खाते हैं और उसके बाद ताबो की तरफ रवाना होते हैं। मैगी आ गई अपनी, ताबो एक चाय हो गई खत्म, ये है दूसरी और आंटी है अभी अंदर, हल्का सा ट्रेलर आपने देख लिया, उनका गाना बहुत मस्त सुनाती है, तो अभी मैगी ऑर्डर की हुई है तो जस्ट मैगी खाते हैं, और ये जस्ट लगा हुआ है यहाँ मॉनेस्ट्री से लगी हुई कैफे है, तो जस्ट अभी मैगी चाय वाय लेते हैं उसके बाद निकलते हैं सीधा ताबो की तरफ। थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा पर ठीक है, अभी ऐसा कुछ दिखाने के लिए कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि वही रास्ता है, आधा रास्ता तो वही है जो हमें कवर किया है, बाकी तभी यहाँ से सीधा ताबो निकलते हैं, ताबो मिलता हूँ आपसे, रास्ते में कुछ अच्छा सा मिला तो डेफिनेटली बताऊँगा। मैगी वैगी खा ली हमने, सामने है ग्यू मॉनेस्ट्री और यहाँ पर हमने चाय मैगी सब हो गया, अंधेरा अभी आपको क्या ही दिख रहा होगा, नीचे है सामने ग्यू विलेज, तो ग्यू विलेज नहीं रुक रहे हम सीधा निकल रहे हैं यहाँ से और ताबो रुकेंगे जो है अराउंड 30-35 किलोमीटर के आसपास में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, रात मैं थक गया तो व्लॉग ऐड करना भूल गया, तो अभी जस्ट मैं ताबो में ही हूँ, ताबो से जस्ट अभी निकलने वाले हैं,
ब्रेकफास्ट टेबल पर अभी मैं बैठा हूँ, तो ब्रेकफास्ट आने वाला है। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट व्लॉग ऐड करता हूँ। उसमें हम देखो अभी कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, शायद पिन वैली जाएंगे, मड वैली जाएंगे और भी शायद एक दो जगह जाएंगे, शायद काजा रुकने का हमारा प्लान है। तो ठीक है, बने रहिए, बाकी इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे लेते रहिए मेरी तरह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय, राइड हार्ट एक्सिस, बाय बाय।